सो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में कुछ ट्रैवल से सीरीज वीडियो नहीं है, तो आज हमने फाइनली डिसाइड किया है कि हम रेगुलर ब्लॉग करेंगे, क्योंकि ट्रैवल का ब्लॉग बनाना बहुत ही मुश्किल होते जा रहा है और जितनी प्रचंड गर्मी है, गर्मी को देखते हुए ट्रैवल ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल है। और उससे भी बड़ी बात है कि ट्रैवल ब्लॉग बनाने में जो कॉस्ट आते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और हमारी अभी उतनी बजट नहीं है जो हम रेगुलर आपको ट्रैवल ब्लॉग दे सके। आज से मैंने स्टार्ट की, फाइनली स्टार्ट कर दिया है कि ब्लॉगिंग। तो ब्लॉगिंग जो है, मैं आपको बेसिक रूटीन के बारे में बताऊंगा कि मैं दिन भर में क्या करता हूँ, नहीं करता हूँ। वैसे कुछ खास नहीं है, बट जो भी है मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि सबसे पहले तो मैं जो करता हूँ दिन भर, तो मेरा ज़्यादातर काम पीसी कंप्यूटर पे ही पूरा दिन निकल जाता है, क्योंकि मैं एक वेडिंग वीडियो एडिटर भी हूँ और साथ ही वेडिंग फोटोग्राफी और सिनेमाटोग्राफी भी करता हूँ। होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अभी वेडिंग के सीजन भी नहीं है, तो हम मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट किया जाए। चैनल तो ऑलरेडी हमारा बना हुआ है, जिसपे 500 से प्लस सब्सक्राइबर हैं। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, तो थोड़ा सा मोटिवेट हमको मिलता रहेगा अगर आप लोग एक सब्सक्राइब कर देंगे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। बेसिकली हमारे इस ब्लॉग में होने वाला है कि मैं वेडिंग वीडियो कैसे एडिट करता हूँ, थोड़े बहुत इसके वेडिंग वीडियो एडिटिंग के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। और उससे भी पहले मैं आपको अपना पूरा सेटअप भी दिखा देता हूँ कि मैं कहाँ, कैसे और किस तरह से वेडिंग वीडियो एडिट करता हूँ। नेक्स्ट मंथ से वेडिंग के सीजन शुरू होंगे, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि जिस तरह पहले मैं आपको वेडिंग के बीटीएस वगैरह दिखाता था, उम्मीद है कि उससे अच्छी क्वालिटी में आगे आपको देखने को मिलेगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं फुल टाइम ट्रैवलर बनूंगा। ट्रैवल करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और घूमना फिरना मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन बजट के इश्यू के कारण हम अभी घूमने फिरने नहीं जा रहे हैं। कि एक ट्रिप में तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये, नॉर्मल ट्रिप जो होता है उसमें 5 से 6 हज़ार रुपये का कॉस्ट आता है, जो कि अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। आगे करेंगे, ट्रैवल का सीरीज तो जरूर रहेगा, ट्रैवल सीरीज आगे जरूर बनाएंगे हम लोग। ऑलमोस्ट 1 महीने हो गए मुझे यूट्यूब पे वीडियो डाले हुए, मैं सोचा कि क्यों ना एक अपडेट आप लोगों को दे दूं। आज से मैं रेगुलर ब्लॉग करूंगा। ब्लॉगिंग का मतलब वो नहीं क्या कर रहे नहीं कर रहे वो सब नहीं, स्पेशली जो इम्पोर्टेंट है मैं बस वही दिखाने की कोशिश करूंगा। तो उससे सबसे पहले आप एक बार हमारा ये सेटअप देख लीजिए। आइए मैं आपको अपना सेटअप दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, हमारा ये पीसी का सेटअप है, और अभी इस पे हमारे देखिए ये हमारा यूट्यूब चैनल लॉगिन किया हुआ है। आप लोग अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पीसी पे कोई डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में पीसी लिख दीजिए। अगर 15 से 20 कमेंट होंगे तो मैं पीसी पे एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको एक सहूलियत होगी कि पीसी के बारे में जानकारी लेने में। अगर आप पीसी बिल्ड कराना चाहते हैं तो एक बार जरूर आप कमेंट करें, मैं आपको बेस्ट सजेशन दूंगा कि पीसी कौन सा ले, वीडियो एडिटिंग के पर्पज से और गेमिंग के पर्पज से भी। और ये मैं एक कैनन का G570 प्रिंटर रखता हूँ, ताकि मैं मुझे कुछ फोटो प्रिंट आउट वगैरह करने होते तो मैं इसी से फोटो वगैरह प्रिंट आउट करता हूँ। ये हमारा ड्राई कैबिनेट है, जो कि जिसमें हम अपना सारा कैमरा। अभी मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि अगर मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा अगर खींचने लगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी एक दिन हम कोशिश करेंगे कि एक अपने पूरे इक्विपमेंट पे भी वीडियो बनाए। और फाइनली ये हमारा LC500R, और इसमें है गोडॉक्स AD400 Pro, जो कि एक बहुत ही पावरफुल लाइट है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आपको कोई भी टॉपिक पर डिटेल वीडियो चाहिए, जैसे कैमरा इक्विपमेंट पे, वेडिंग में क्या क्या कैमरा यूज वगैरह होता है, कौन कौन से लेंस यूज होते हैं, कौन सा गिम्बल में रखो, उस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में कैमरा भी लिख सकते हैं, तो मैं उस पर समझ जाऊंगा कि आपको कैमरा रिलेटेड डिटेल वीडियो चाहिए। वीडियो को यही समाप्त करते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा वीडियो को। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, जल्दी से 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।